देखो कुछ नहीं कर रहे थे। देखो कुछ जैसे कि ये क्वेश्चन है कि रूट ऑफ 1 माइनस x की पावर 6 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस y की पावर 6 इक्वल टू ए इंटू x³ - y³। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन फाइंड जैन, योगेश जैन, कपिल, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, फाइंड dy/dx। और इसमें इसमें डीवाई बाई डीएक्स प्रूव करना है, कुछ मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। देन फाइंड डीवाई बाई डी, बुक भी नहीं है। चलो चलो एक मिनट में बुक लेके आता हूँ, उस बुक में दिखा हुआ कुछ। क्वेश्चन तो मिला नहीं है सर, आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भेज दिया करो ना मैथ्स के। ठीक है भेज देंगे। देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको हमें कुछ प्रूव करना है, डीवाई बाय डीएक्स इस टाइप से है कुछ, हालांकि मिला नहीं है। चलो अभी तो एक बार तो ये लिख लेता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन वो फाइंड कैसे करना है, एक्चुअल में प्रूव करना था कि एक्स की टर्म्स में और वाई की टर्म्स में इस टाइप से। तो उसके लिए हम x³ को ना, देखो इसको ऐसे लिख दिया कि रूट ऑफ 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर, x की पावर 6 को ऐसे लिखा, फिर y की पावर 6 को ऐसे लिख दिया 1 माइनस y³ का होल स्क्वायर इक्वल टू ax³ - y³, ऐसे लिख दिया। ठीक है इससे देखो क्या फायदा होगा हमें, मैं 1 सेकेंड आपकी पहले अटेंडेंस ले लूं। 30 स्टूडेंट हो गए हैं, 30 स्टूडेंट नहीं है टोटल, 30 पार्टिसिपेंट है, यानी 29 स्टूडेंट हो गए। y³ का होल स्क्वायर x³ - ये वाई क्यूब है यहाँ पर, ये जो है ना ये भी क्यूब है। ठीक है अब लेट
एक्स क्यूब इक्वल टू साइन ए मान लिया और वाई क्यूब को साइन बी मान लिया, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो वन माइनस साइन स्क्वेयर है, फिर प्लस में रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस का साइन ऐसे, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वेयर क्या हो गया, कोस स्क्वेयर है यानी कोस ए प्लस में कोस बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस में साइन बी। अब देखो कोस सी प्लस कोस डी उसका यूज करते हैं, कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा, टू कोस ए प्लस बी अपॉन टू, सी डी फॉर्मूला का यूज किया, कोस ए माइनस बी अपॉन टू, फिर साइन सी माइनस साइन डी, ये तो होता है टू कोस ए प्लस बी अपॉन टू इन टू में साइन ए माइनस बी अपॉन, ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको इधर लाके कॉमन लेंगे हम, देखो इस साइड में लाके कॉमन लिया तो टू कोस ए प्लस बी अपॉन टू, ये तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा कोस ए माइनस बी अपॉन टू, फिर माइनस में साइन ए माइनस बी अपॉन इक्वल टू जीरो। अब यहां पर देखो दो टर्म का मल्टीप्लाई जीरो, तो या तो कोस ए माइन ए प्लस बी अपॉन टू ये जीरो होगा, ठीक है, तो इससे तो ये जीरो होगा, तो यहां से तो क्या आ गया ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू पाई अपॉन टू, तो ए प्लस बी क्या हो गया पाई, ए क्या चीज थी, ए था साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ए भी है यहां पर, ए था ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स क्यूब, बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई क्यूब, बी की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू पाई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक तो वो निकालूं डीवाई बाई डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब का वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स क्यूब इन टू में थ्री एक्स स्क्वेयर, फिर साइन वर्स वाई क्या क्यूब का थ्री वाई स्क्वेयर अपॉन में रूट ऑफ वन माइनस वाई क्यूब इन टू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा पहले ये इधर जाएगा, तो वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस का, फिर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर इसके डिवाइड में उल्टा लिख दिया, दोबारा लिखते हैं, अरे डेरिवेटिव तो किया है साइन वर्स एक्स क्यूब साइन वर्स वाई क्यूब, साइन वर्स का क्या होता है वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से होल स्क्वेयर आएगा, यहाँ पर भी होल स्क्वेयर आएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो पहले ये इधर जाएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स की पावर सिक्स, फिर इन टू में देखो रूट में वन माइनस वाई की पावर सिक्स और डिवाइड में थ्री वाई, ये तो कैंसिल हो गया यानी माइनस का एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर और रूट में वन माइनस वाई की पावर सिक्स और अपॉन में वन माइनस एक्स की पावर सिक्स, तो एक तो यही है डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। ये तो इसको जीरो करने से आएगी, एक इसको जीरो करने से आएगी, इसको जीरो करें तो देखो कोस ए माइनस बी अपॉन टू, फिर माइनस में ए इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन इक्वल टू जीरो, इसको इधर ले गया और डिवाइड किया तो कोस अपॉन साइन ये हो गया कोट ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू ए। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू कोट इनवर्स ए, ए माइनस बी इक्वल टू टू इन टू में कोट इनवर्स
अब ए की जगह वापस साइन इनवर्स एक्स क्यूब, बी की जगह साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू टू कोट इनवर्स। यहाँ पे डेरिवेटिव करें डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब का रूट ऑफ वन माइनस एक्स की पावर सिक्स इंटू में थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वाई की पावर सिक्स इंटू में थ्री वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई, देखो पहले ये टर्म इधर गई तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, फिर वन माइनस y की पावर 6 और अपॉन में 1 माइनस x की पावर, तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ये वाला भी dy by dx है, ठीक है, और इससे प्रीवियस में जो आया था, प्रीवियस में कौन सा आया था, देखो ये आया था इससे प्रीवियस में, तो ये भी करेक्ट है cot a माइनस b अप a, ये वाला माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और इधर प्लस का x स्क्वायर y, तो केवल प्लस और माइनस का ही फर्क है। अब उसमें ये प्रूव कराएंगे, वो देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू ये, यानी dy by dx ये आता है ये प्रूव करो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर डायरेक्ट इतना सब क्यों किया, ये साइन वगैरह माना, सीधा यहीं पर डेरिवेटिव करते ना, जैसे आपके दिमाग में ये बात भी आएगी कि सर सीधा यहीं डेरिवेटिव कर देते इसका, पहले रूट का हो जाता फिर अंदर वाले का फिर इधर स्क्वायर रूट का फिर अंदर वाले का फिर इधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ऐसे कर दो, लेकिन ऐसे करने से ये वाली टर्म्स में आंसर नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो ना, इस वाली टर्म्स में आंसर नहीं आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, वन माइनस वाई की सिक्स ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही था ना, तो वन अपॉन टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स की पावर सिक्स सिक्स एक्स की पावर फाइव, फिर प्लस में वन माइनस वाई की पावर सिक्स टू y की पावर 6 का 6y की पावर 5, फिर a 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये इस वाली टर्म्स में नहीं आएगा, इसमें x की पावर 5 y की पावर 5 ये सब भी आएगा, आप कितना ही सॉल्व करो इसको, इसमें ये वाली टर्म्स वगैरह भी आएगी। मैंने ये कैसे सोचा, मैं तो मुझे तो सब कुछ पता है ना, मेरे को 10 साल 11 साल हो गए, ये 11वां साल है इसलिए मेरे को पता है, ठीक है, तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, तुम्हें पढ़ाया क्यों जाता है, हम IIT JEE वगैरह को NDA को इनको पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं, हम उनको ये सिखाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उनको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उनको हम सोल्व करना सिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके आपके सामने एग्जाम में या किसी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपकी वे ऑफ थिंकिंग ये होनी चाहिए कि आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते, ठीक है, दीज आर मैनिपुलेशन। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कल जो क्लास होगी उसमें हम इससे अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो स्टार्ट कर, टू टाइप से रिपीट कर दो ऐसे ऐसे, तो 1000 क्वेश्चन हैं, अभी तो एक ही हुआ है, 1000 क्वेश्चन नहीं है, पर तेरे को जहाँ पता है मेरे को जहाँ पता है, अब देखो ऐसा एक और मैं क्वेश्चन बताऊं आपको, अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप ये कर दोगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी पूछा गया है a इंटू एक्स माइनस वाई, तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करो dy बाई dx, और उसमें चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं रूट वन ऐसे कि रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है इस टाइप का कौन सा है, अब इसको तो आप कर सकते हो ना, इसमें क्या करोगे, इन x और y को देखो, x और y को क्या मान लो साइन a और साइन b, अब आप कहोगे साइन क्यों माना, कोस मान ले, दोनों को कोस भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं एक को साइन और एक को कोस मान लिया, क्योंकि साइन c माइनस कोस d ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता, या तो दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कोस होने चाहिए, समझ में आ गया ना, ये ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, ये जो है स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। ओके अब इसका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो बचा हुआ है। आज मुस्कान राठी पहली क्लास है क्या मुस्कान तेरी आज इतने दिनों में? ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टू एंड एक्स की पावर फोर प्लस में वाई की पावर फोर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में वन अपॉन टी स्क्वायर देन डू दैट prove that dy by dx equal to minus ka 1 upon x cube into y। ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी। तो अब आप देखो दो कंडीशनें दी हैं, दोनों कंडीशनों में एक तरफ तो एक्स वाई है दूसरी तरफ टी है। हमें जो प्रूव करना है वो डी वाई बाई डी एक्स, उसमें जो प्रूव करना है उसमें ओनली एक्स और वाई है, टी नहीं है। तो बस अब यहीं से आपके दिमाग में आ जाना है कि हमें टी को क्या करना है, इलिमिनेट करना है। यानी जो पहली जो दो कंडीशन हैं उनकी हेल्प से टी को इलिमिनेट करेंगे, पूरे को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देंगे फंक्शन को, और फिर उससे डीवाई बाई डी एक्स निकालें। समझ में आ गया प्रोसेस क्या है? तो चलो देखो, एक तो ये कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी। इसमें देखो इसमें एक्स की फोर वाई की फोर है, तो यहां पर स्क्वेयरिंग कर दें, दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग कर दो। तो इधर तो हो गया x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 प्लस में 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में 2। तो इधर तो x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ये लिखा ना, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। देखो जैसे ही हमने t को इलिमिनेट किया तो पूरा फंक्शन किस में आ गया, x और y में आ गया, इसका मैनेज आ गया। हाँ नाउ अब dy by dx निकालते हैं और वो हम प्रूव करेंगे कि ये आएगा जो उसने कहा है माइनस वन बाई एक्स क्यूब इंटू वाई। तो देखो यहां लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया मैंने टू एक्स, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन टू लगेगा ना यहाँ, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स कर दिया तो वाई स्क्वायर एज इट इज, इस बार x स्क्वायर एज इट इज तो y स्क्वायर का करें तो 2y और y का dy by dx और माइनस वन का जीरो, ठीक है। तो देखो दो तो कॉमन आ जाएगा, x y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर y dy by dx इक्वल टू जीरो। तो अब यहां से मैं dy by dx की वैल्यू निकालता हूं, तो देखिए dy by dx
क्या आएगा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई, एक एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, एक वाई से वाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस का वाई अपॉन एक्स, ये आया डीवाई बाय। लेकिन ये जो प्रूव करना है वो तो ये नहीं, देखो ध्यान से, जो प्रूव करना है उसमें न्यूमरेटर में कितना है, न्यूमरेटर में वन, यानी न्यूमरेटर में एक्स और वाई कुछ नहीं। तो देखो यहां से सॉरी हम कैंसिल नहीं करते, देखो ये जो लिखा था ना हमने, क्योंकि जो प्रूव करना है उसको देखो जरा, अब देखो ये आया था, तो इसमें यहां से आप देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस वन, इसको मैंने इक्वेशन वन बोल दिया। तो इसको मैंने ऊपर नीचे दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे क्या हो गया एक्स क्यूब इंटू वाई, ऐसे कर दिया, ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई, ऐसे। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना, और इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू बन गई वन, सॉरी माइनस तो एक आई और एक माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब इंटू में वाई, फिर वन अपॉन में एक्स, ये तो माइनस वन नहीं आ रहा इसमें, एक सेकंड देखते हैं क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है कहीं। क्वेश्चन नंबर 44, हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ गलत लिखा हुआ है, यहाँ आएगा माइनस वन नहीं आएगा, प्लस वन आएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बोलिए किसी को कोई डाउट इसमें, ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके देखो, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका मॉडुलस, प्लस सिक्स, देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा फाइव बाय टू एंड फोर, इन तीन पॉइंटों पे हमें डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स कह दो या वाई कह दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, y equal to fx ही होता है फंक्शन, fx है x square minus 5x plus 6, तो इस अंदर वाले के मैंने फैक्टर कर दिए x minus 2 into x minus 3, ऐसे ही तो होंगे। अब इस अंदर वाले फंक्शन की अगर साइन स्कीम देखूं मैं, साइन की स्कीम यानी 2, 3, यानी 3 से बड़ा नंबर होगा तो ये प्लस का होगा, 2 और 3 के बीच में होगा तो माइनस का होगा, और 2 से छोटा होगा तो प्लस का होगा,
तो यानी इस फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन करूं कि जब एक्स टू और थ्री के बीच में, देखो तो जब एक्स है टू से तो बड़ा लेकिन थ्री से छोटा, तब तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, इसको थोड़ा आगे लिखते तो माइनस फिर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। माइनस में कब लिखेंगे, जब एक्स क्या हो लेस देन टू, लेस देन इक्वल टू टू और टू से थ्री के बीच में, एक्स लिखा टू से तो बड़ा लेकिन थ्री से छोटा, और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लिखेंगे जब एक्स हो टू से छोटा और थ्री से बड़ा। और टू और थ्री पे इक्वल किसी में भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें मैंने इक्वल लगा, तो ये आया मेरे पास एफ एक्स, या कह दो वाई। हमने वाई को मॉडुलस को पूरा पूरा डिफाइन कर दिया। अब देखो अब आते हैं आगे। अब निकाला मैंने डी वाई बाई डी एक्स, मैंने किया डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बन जाएगा, ये वाला जो है यही दो बनेंगे इसके। मैं नीचे लिखता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स फिर माइनस फाइव, ठीक है, यहाँ पे टू एक्स माइनस फाइव। ये कब, जब एक्स हो जाए टू से लेके थ्री के बीच में, और ये कब, जब एक्स हो जाए टू से छोटा या इक्वल और थ्री से बड़ा या इक्वल। अब देखो हमसे क्या पूछा था, सबसे पहले पूछा डी वाई बाय डी एक्स एट, ये वाला साइन एट का होता है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे डी वाई बाय जीरो कौन से डेफिनेशन में आएगा, जीरो इस वाले डेफिनेशन में आएगा, देखो दो से छोटा यानी इसमें रखेंगे तो टू इंटू जीरो माइनस फाइव, तो वैल्यू कितनी होगी माइनस फाइव। फिर पूछा डी वाई बाई डी एक्स एट, एट कहाँ पर फाइव अपॉन टू, यानी एक्स इक्वल टू फाइव अपॉन टू, तो फाइव अपॉन टू किस में आएगा, टू और थ्री के बीच में, तो इस बार कौन सा यूज होगा, ये वाला माइनस इंटू टू इंटू फाइव अपॉन टू माइनस फाइव। ठीक है, इस केस में क्या आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल होगी, फाइव माइनस फाइव जीरो। फिर डी वाई बाई डी एक्स पूछा आपसे फोर पे, एक्स इक्वल टू फोर, तो फोर पे देखो फोर किस में आएगा, इस वाले में आएगा, फोर थ्री से बड़ा है तो टू इंटू फोर माइनस फाइव, आठ माइनस पांच यानी, तब ये आंसर है। कोई डाउट इसमें? अब चलो मैं इस क्वेश्चन का आपको एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ कि आपसे पूछा गया था, अगर मैं आपको पूरा ग्राफिकली अगर एक्सप्लेन करूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इसका मॉडुलस, इसका अगर मैं ग्राफ बना के बताऊं तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ऐसे होगा ये टू कॉमा जीरो थ्री कॉमा जीरो, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला ये होता है माइनस डी बाई टू है माइनस डी बाई फोर, यानी यहाँ पर हो गया माइनस का फाइव अपॉन टू, सॉरी प्लस का फाइव अपॉन टू कॉमा जी फाइव अप बाई टू। अब आपसे पूछा क्या था, देखो एक तो पूछा था जीरो पे फाइव अपॉन टू पे और फोर पे, जीरो पे जीरो यानी यहाँ पर, तो आपसे पूछी थी यहाँ पे अगर एक टेंजेंट खींचेंगे, ऐसे टेंजेंट खींची उसका स्लोप कितना होगा, जब पूछा ना डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये था कि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये यहाँ पर, यहाँ पे ये टेंजेंट खींची तो इसका कितना स्लोप आएगा। फिर पूछा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू फाइव अपॉन टू, कहा तो मतलब फाइव अपॉन टू पर, यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा तो स्लोप कितना आएगा, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनेगी, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप जीरो होगा, देखो आंसर जीरो ही आया था, फाइव बाई टू पे जीरो आया था ना।
फिर पूछा आपसे फोर पे, फोर कहाँ होगा, फोर यहाँ कहीं होगा, यानी फोर पे यहाँ, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे ऐसे तो उसका स्लोप कितना होगा, ठीक है, ये जो पूछा गया था। और देखो यहाँ से, ये देखो ध्यान से, आप इधर जो टेंजेंट खींचूंगा ना वो लाइन ऐसे आएगी, तो उसके लिए तो स्लोप ऐसे काउंट होगा, इस साइड से ऐसे ये काउंट होगा, ये वाला एंगल, तो ये ऑब्टूज एंगल है ना, ऑब्टूज एंगल पे टेंथ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो देखो इस पॉइंट पे जो आंसर आया वो नेगेटिव आया, देखो ये, फिर फोर पे पूछा था, तो फोर पे तो ये टेंजेंट ऐसे, तो ये वाला एंगल काउंट होगा इसके लिए, तो ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखो फोर पे जो स्लोप आया ना डीवाई बाई डी एक्स वो पॉजिटिव आया, देखो प्लस कर, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, सब कोई डाउट बोलो इससे। ये मैंने करा दिए हैं, अब इस टाइप के देखो क्वेश्चन तो भरे पड़े हैं, कोई भी बुक उठा लो उसमें से कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी, इस पार्ट का फटाफट लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट सभी ने? पहले वाली यही है, पहला ये पहला है और ये इधर वाला दूसरा है, और इससे पहले वाली स्क्रीन तो तब जब कहा था तब क्यों नहीं ली, अब वो गई, ठीक है, ये पहली है और ये दूसरी। तो आज अब ये चैप्टर हो गया मेरी तरफ से, तो ओवर हो गया, ग्राफ समझ नहीं आया, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में ए ए ग्रेटर देन जीरो है, दो रूट है, एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो कितना आएगा, वाई की वैल्यू सिक्स आएगी, तो यहाँ तो हो गया जीरो कॉमा सिक्स, टू कॉमा जीरो और थ्री कॉमा जीरो, इस पे जीरो होगा यानी एस, ये ग्राफ बन गया। इसके मॉडुलस लगाया तो जो जो पार्ट नीचे था वो ऊपर आ गया, नीचे वाला ये पार्ट था इसको हटा दो, इसकी इमेज आ जाएगी ऊपर ऐसे, बस अब आ गया समझ में योगेश, ओके। अब कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें रेट ऑफ मेजरमेंट, कल मिलेंगे अब।